पत्रिका.com आपके लिए लेके आए, आपकी सेहत के लिए लेके आए एक बहुत सारी योग की सीरीज। अष्टांग सूर्य नमस्कार के अंदर हम स्टार्ट करते हैं 18 स्टेप्स। तो सबसे पहले हैं इसके अंदर स्टार्ट करते हैं इनहेल 1। श्वास लेते हुए आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथों को सीधा करते हुए आपके घुटने थोड़े से बैंड रहेंगे और पूरी बॉडी आप यहां से स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ जाएंगे, एक्सहेल 2। वापिस से जब नीचे जाएंगे तो दोनों घुटने आपके सीधे हो जाएंगे और उसी तरह से आपको पाद हस्त आसन आपको करना है। श्वास लेते हुए आप नेकअप करेंगे, नेकअप, और नेकअप करते समय पूरी आपकी स्पाइन आप आगे की तरफ खींचेंगे और पूरा बॉडी वेट आप अपने पांव के पंजों की तरफ ट्रांसफर करेंगे। जंप बैक 4, दोनों हाथ के हथेले टिकाते हुए दोनों पांव से एक साथ आप जंप लेंगे और आपका सारा बॉडी जो है वो चतुरंग दंड आसन में हो जाएगा, यानी दोनों हाथ के हथेलियां और दोनों पांव के पंजों पे आपका पूरा बॉडी होगा। इनहेल अप 5 पोजिशन। इसके अंदर ये करेंगे कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार से अलग है क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपके दोनों पांव के घुटने भी हैं वो जमीन से उठे हुए रहते हैं, बिल्कुल क्लीन क्लियर आपको दिखाई पड़ रहा होगा अभी यहाँ पे। एक्सहेल 8। अब यहीं से आप 7th पोजिशन के अंदर जाएंगे, माउंटेन पोज के अंदर इस तरह से 1 leg forward 9, एक पांव को आगे रखते हुए आप दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे वीर भद्रासन के अंदर। एक्सहेल डाउन, फिर से आप नीचे की तरफ जाएंगे 8th पोजिशन। इनहेल अप, पूरे दोनों पांव के पंजे फ्लैट और बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे आप। 9, वापिस से माउंटेन पोज में जाएंगे, पर्वतासन, दोनों कंधों को बहुत अच्छे से अंदर की तरफ दबाएंगे आप, दोनों पांव के घुटने आपके बैंड नहीं होने चाहिए, घुटने बिल्कुल सीधे हो और कोशिश करेंगे कि दोनों पांव की एड़ियां भी आपकी जमीन से टिकी रहे। अदर लेग फॉरवर्ड अप, दूसरे पांव को आगे लाते हुए दोनों हाथों को आप ऊपर उठाएंगे, वापिस से वीर भद्रासन के अंदर जाएंगे और इसके बाद में वापिस से आप चतुरंग दंड आसन के अंदर जाएंगे, दोनों हाथ की हथेले जमीन से टिकेगी, दोनों पांव के पंजे पीछे और पूरा आपका बॉडी जो है एक सीध में रहेगा। इनहेल अप, भुजंग आसन के अंदर आप आएंगे सभी। एक्सहेल बैक, श्वास छोड़ते हुए वापिस से माउंटेन पोज के अंदर जाएंगे, दोनों पांव की एड़ियां आपकी जमीन से टच, दोनों हाथ के कंधे आपके अच्छे से पीछे की तरफ दबे हुए, घुटने बिल्कुल बैंड नहीं। और यहां से जंप लेते हुए, जंप इन कम फॉरवर्ड, जंप लेते हुए दोनों पांव के पंजे आपके दोनों हाथ के बीच में आ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे जाएंगे और एंड में आप श्वास लेते हुए वापस से उत्कट आसन के अंदर आएंगे। इनहेल अप एंड समस्थिति, दोनों हाथ नीचे रखते हुए खड़े हो जाएंगे, रिलैक्स। तो ये आपने देखा है कि अष्टांग सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है और अष्टांग सूर्य नमस्कार करने के अनगिनत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपका बैली पार्ट जो है वो रिड्यूस होता है और सारे बॉडी का स्ट्रेचिंग होता है। जिनको बैक की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है, ये किया जा सकता है। और अष्टांग सूर्य नमस्कार के अंदर आपको बताया जाए तो ये कह सकते हैं हम कि अष्टांग सूर्य नमस्कार करते समय आप वेट रिड्यूस आपका होता है, फोकस आपका बढ़ता है और अष्टांग सूर्य नमस्कार करते समय आपका जो ब्रेथ, आपका पोस्चर, आपका गेस्चर, ये तीनों ही चीज़ें आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, एक लय में होनी चाहिए और लयबद्ध तरीके से आप एक से दूसरे आसन के अंदर आप जाते हैं और इस तरह से 40 स्टेप्स आप कंप्लीट करते हैं। सिर्फ 5 मिनट मांगे हैं आपसे और इतने अच्छे ढंग से साष्टांग सूर्य नमस्कार को समझाने की कोशिश की है। जिस तरीके से योग गुरु इसको कर रही थी आप देख रहे होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी बॉडी में आ चुकी थी, कहाँ कहाँ सांस रोकनी है, कहाँ सांस छोड़नी है, किस तरीके का पोर्शन आपको रखना है और वो यदि आप करते जा रहे हैं तो आप देखिए जिस तरीके से बॉडी मूव कर रही थी, कभी नीचे कभी ऊपर कभी इस तरीके से, ताकि वो बॉडी का एक एक पार्ट जो था वो खुल रहा था और खिल रहा था। खिल इसलिए रहा था क्योंकि ये करेंगे तभी तो आप खूबसूरत नजर आएंगे और खूबसूरत नजर आने के लिए तो
मेरे ख्याल से योग से अच्छी कोई चीज नहीं है, तो बाय बाय कर दीजिए। स्पेशली गर्ल्स और लेडीज तो कि मेकअप का कोई सामान आज के बाद घर में नहीं, घर में होगा तो सिर्फ साष्टांग सूर्य नमस्कार।